हेलो चो, देखिए सुबह से ना एक मैसेज हर 10 मिनट में बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। और कोई कोई एक ऐसा मैसेज होता है जिससे आप मतलब परेशान। तो क्या, देखिए मैसेज क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि सर आज 20 अगस्त यानी आज आप एग्जाम एनालिसिस कब करा रहे हो, सब मैथ्स के क्वेश्चंस का बता दो, आज कैसे पूछे गए। चलो मैं बताऊंगा कि मैंने आज क्यों नहीं कराया या फिर कब कराऊंगा, ये भी बताऊंगा, ठीक है। बट पहले इस पर आ जाओ, उस बात पे आते हैं, बट ये वाली चीज भी बहुत जरूरी है। भैया 2 दिनों में 37,000 ने छोड़ी परीक्षा, यानी जो 2 दिन एग्जाम हुए उनमें 37,000 बच्चे एग्जाम सेंटर तक ही नहीं पहुंचे। मेरे भाई ये आपका हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़पेपर है, उसकी कटिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रयागराज वरिष्ठ संवाददाता, रेलवे भर्ती बोर्ड RRB की Level 1 Group D की परीक्षा शुरू हो गई है। बड़ी बात यह है कि 2 दिनों की परीक्षा में करीब 37,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। पहले दिन 18,760 और दूसरे दिन 18,092 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी। यानी कि यार पहले दिन 18,000, दूसरे दिन भी, यानी कहीं 36 से 37 हज़ार के करीब बच्चे एग्जाम देने नहीं पहुंच रहे। अब इसका वो क्या समझे कि देखिए, जो आप बच्चे जो बाद में एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे जिनका अभी आने वाला है, उनके लिए तो फायदा है, बट बच्चा एग्जाम देने जा क्यों नहीं रहा, क्या लॉजिक है? तो देखिए दो तीन लॉजिक निकल कर आते हैं। एक तो नॉर्मल सी बात है यार, 3 साल हो चुके हैं फॉर्म निकले हुए, 3 साल के अंदर अंदर बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं जॉब ढूंढ लेते हैं। बहुत से बच्चे यार घर में इतनी दिक्कतें होती हैं, जो सच्चाई वाली दिक्कत, वो जो मुझे मुद्दा लगता है वो रहता है घर में दिक्कतें, इतनी दिक्कतें यार, हर बच्चा सोचता है कि यार जॉब भी कर लूं, साथ ही साथ पेरेंट्स भी हैं सब, यार एक उम्र हो चुकी होती है ना। तो इसमें बच्चों की भी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं 3 साल के अंदर बहुत सारे बच्चे घर की तरफ से ही प्रेशर होता है तो जॉब पे चले जाते हैं। अब उन्हें लगता है कि अब वहां से जॉब पे छुट्टी भी नहीं मिलती, कौन देता है कि यार जाओ तुम एग्जाम देने चले आओ। वो बहुत से तो इतने वो होते हैं प्राइवेट जॉब वाले, कहते हैं कि आपको जॉब से हटा दिया जाएगा। तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और दूसरी दिक्कत ये हो सकती है, बहुत से जो वैसे वाले बच्चे होते हैं जो बस इसलिए फॉर्म भरते हैं कि भाई हम तो जैक से या जुगाड़ से पास हो जाएंगे, क्योंकि 3 साल पहले ही कहानी अलग थी और अब अलग हो चुकी है। पहले ये चर्चा नॉर्मल होती थी कि तुझे इतने पैसे दे देना, आपकी जॉब लगवा देंगे, बट अब चीजें बदल चुकी हैं। हो तो अभी भी रही हैं, बट मैक्सिमम जगह चीजें बदल चुकी हैं। जिस परीक्षा के अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उस परीक्षा में अभ्यर्थियों के अनुपस्थिति रहने के मामले पर RRB अफसर कुछ साफ नहीं बता पा रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि परीक्षा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, यह एक वजह हो सकती है। पहले 51.13% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, कि भाई ये हो सकता है ना, सुरक्षा बहुत कड़ी है, तो बहुत सारे जो पहले से ही पैसा लेकर बैठे थे कि भाई साहब तो फ्रॉड करके हो जाएंगे, तो वो वाली तो मेरे भाई वो वाला हिस्सा तो खत्म ही हो गया, वो तो एग्जाम देने आएगा ही नहीं जो पहले से जुगाड़ में था। ठीक है, आपके जैसे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो पहुंचेंगे सेंटरों तक। ठीक है, तो दो तरह की गुटों में बच्चा बटा हुआ, एक जो पढ़ने वाला है और एक पहले से ही जुगाड़ लेकर बैठा होता है, तो वो तो बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। उसे पता है कि पास तो वैसे भी नहीं होने, क्यों इतनी दूर जाओ पैसा खर्च करके। आधारित परीक्षा CBT में पहले दिन 18,760 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। 44 परीक्षा केंद्रों पर शॉर्ट लिस्ट 38392 परीक्षार्थियों में से 19632 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। परीक्षा ना देने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत 48.86 रहा। दूसरे दिन की परीक्षाएं 52.33%, मतलब 50-50% बच्चा भी नहीं पहुंच पा रहा, 50-51 इतना परसेंट पहुंच रहा है, प्रतिशत अभ्यर्थी शामिल हुए। ठीक है, फिर सारी बात यह है कि रेलवे भर्ती बोर्ड RRB के Level 1 Group D की परीक्षा का दूसरा दिन 52.33% बच्चा पहुंच रहा है। अब मुद्दा आता है मेरे भाई, मेन मुद्दा जो बच्चा बार बार पूछा, सर आज एनालिसिस कब तक लेकर आओगे, और अगर एनालिसिस आज नहीं लाओगे तो कब लाओगे, और क्यों नहीं एनालिसिस आप दे रहे। देखिए मुद्दा क्या भैया, एनालिसिस इसलिए नहीं दे रहा, बहुत सारे चैनल हैं जो फेक तरीके से आपको झूठी एनालिसिस दे रहे हैं, उस चक्कर में आप हमसे भी जिद कर रहे हो। आपकी बात भी सही है पर पेपर ही नहीं है ना। आज 20 तारीख को देखिए, आपका 17 को पेपर था, 18 को था, 19 को नहीं था, 20 को नहीं था, और 21 को भी नहीं है। अब अगर आप यहां पे साफ साफ दिख रहे हैं ना, ठीक है, जब 21 18 के बाद 19 20 21, 3 दिन गायब है। जब 21 को भी पेपर नहीं है और 20 को भी नहीं है, तो 20 तारीख को एनालिसिस कैसे दे दे कोई आपको, जब पेपर ही नहीं हुआ। तो पेपर नहीं हुआ तो हमें क्वेश्चन कहां से पता लगेंगे। हो क्या रहा है, बहुत सारे YouTube चैनल ऐसे बन गए जो फेक आपको देते रहते हैं मटेरियल, फेक इन द सेंस वो बोलते हैं बच्चों 20 तारीख का पेपर था, आप एनालिसिस दे दिया आपके लिए। अब आपको तो, आपको क्या, आप तो घर बैठे हो, आपको नहीं, आपका कोई दोस्त ऐसा आके जिसका 20 का पेपर है, पर आपको तो लगे शायद 20 का हो किसी का, इस चक्कर में बच्चा हम पे भी जबरदस्ती कर रहा है। पर फेक चीज नहीं दे सकते ना इस, मतलब आप समझ रहे हो, ये तो बहुत सारे छोटे छोटे चैनल जिन्होंने आपको गुमराह कर रखा है। तो अभी आप समझिए, आपको 17 का पेपर था, 18 का, फिर उसके बाद सीधा 19 20 21 को नहीं है, फिर 22 को है, फिर 23 को है, फिर 24 को, फिर मतलब लगातार है, तो अभी आपका कोई एग्जाम है नहीं। इस चीज को आप अपने दिमाग से बिल्कुल और बिल्कुल निकाल दीजिए। ठीक है, तो अभी कोई एग्जाम नहीं है, हाँ अपनी तैयारी बनाए रखें, और मेरे भाई एग्जाम जरूर देने जाएं,
अगर कम बच्चा पहुंच रहा है तो इसके फायदे घाटे दोनों हैं। फायदा यही निकल कर आएगा कि आपके अंदर एक और जोश आ जाना चाहिए, पॉजिटिविटी, कि भाई चलो कि कंपटीशन थोड़ा घट गया। बट अगर कोई बच्चा दिक्कतों के कारण एग्जाम नहीं देने जा पा रहा तो थोड़ा दुख होता है। बट हाँ, कुछ बच्चे जो फ्रॉड करने के उसमें ही थे कि भाई पूरा पूरा फ्रॉड कर देंगे और पेपर पास कर लेंगे, उस वजह से नहीं जा पा रहे कि भाई इतनी सिक्योरिटी है, तो एक अच्छी चीज भी आपके लिए कि बहुत सारा बच्चा वो हट गया जो पैसे देकर पास हुआ था, क्योंकि वो बहुत कट ऑफ बढ़ाता है। कट ऑफ अक्सर बढ़ती क्यों है, जो पैसे देकर पास हो रहा होता है ना उसकी कट ऑफ भी बहुत ज्यादा बढ़ाया था, वो पूरे पूरे नंबर लिया था, दो तीन कम होते हैं बस उसके, उस चक्कर में कट ऑफ बहुत आई चले जाते, तो इस तरह से कट ऑफ भी कम रहने के चांस रहेंगे। और तो देखिए, आप अपनी पूरी मेहनत करो, कट ऑफ कम जाए या ज्यादा आपकी सीट पक्की होनी चाहिए, और वो तभी होगी जब आप पूरी मेहनत और शिद्दत से पेपर करके आओगे। आप उतना पूरा करके आना जितना आपको आता है, फिर उसके बाद तो फिर वो रिजल्ट आपको सारी चीजें बताया। देखिए, हम ये कहते हैं भैया 30 पे जाए, 50 40 पे चले आए, हम कहते हैं भैया 80 पे चले आए, 70 पे चले आए, मुद्दा क्या है, आप अपना बेस्ट देकर आओ, आपका बस इतना बनता है। और ये देखिए, ये बुक का सेक्शन है हमारी ऐप में, बुक वाले सेक्शन पे क्लिक करना, क्लिक करके थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ, लीजिए इसको, जैसे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ से आप बुक्स को फ्री में ले सकते हो, बाय बुक लिखा पर फ्री में मिलेगी आपको, 11 रुपये बस आपको चार्जेस देने होंगे, और वो ऐप के चार्जेस ना फ्री की सी बुक है इसमें ना, आपको मतलब ये 300 रुपये बुक तो हमारी वैसे नॉर्मल लिखती है, तो फ्री की बुक है, इसके अंदर पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाए। और 20 दिन 20 चैप्टर क्रैश कोर्स को प्लीज कोई ना छोड़े, इसके अंदर अभी हाल फिलहाल में मैं वो भी पढ़ाने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन अब आगे आएंगे, और जो यहाँ करा रखा वही एग्जाम में दिखा है। और ये तो मेरी वो है एक्सपर्टीज, नहीं कहते कि किसी चीज पर आपका पूरा का पूरा वो बना होना कि भाई आपको पूरा टैलेंट है, आपको पता है यही चीज आती है, तो सब कुछ करा रखा है। इसे देखो, मतलब बिना देखे मत जाना, एग्जाम है सिर्फ 399 में, ठीक है। ओके बाय, लव यू। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और डेली रात में 9 बजे यूट्यूब पर इस वाले चैनल पर आना ना भूले, एक प्यारी सी वीडियो लेकर आता हूँ बेहतरीन सी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।